स्टार प्लस पर प्रसारित शो इस प्यार को क्या नाम दूं तीन की हालत के बारे में आप सभी को पता है। चार हफ्ते बाद भी सीरियल का ग्राफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। वीक बाय वीक लो होती टीआरपी से आईपी के एनडी के मेकर्स सदमे में हैं। वहीं स्टार कास्ट की भी नींद उड़ी हुई है। अब इसका सीधा असर स्क्रीन पर भी नजर आने लगा है। फिलहाल शो के मेकर्स स्टार कास्ट इवन चैनल पर भी प्रेशर बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा प्रेशर शिवानी तोमर पर है, जो कि शो की मेन लीड का किरदार प्ले कर रही हैं। वरुण सोबती के साथ शिवानी तोमर को देखना दर्शकों को कतई पसंद नहीं है, और यही वजह है कि दर्शक बिना सनाया ईरानी के शो को देखना नहीं चाहते। माना जा रहा है कि आईपीकेके एनडी 3 के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह शिवानी तोमर है, वरना इसी शो का पहला और दूसरा सीजन 2 जबरदस्त हिट रहा था। माना ये भी जा रहा है कि इन सब को लेकर शिवानी तोमर पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है। आपने नोटिस भी किया होगा कि शिवानी अब ना तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और ना ही किसी पब्लिक फंक्शन में नजर आती है। सूत्रों की माने तो शिवानी पर एक्टिंग स्किल्स बढ़ाने के साथ सुंदर दिखने का दबाव बनाया जा रहा है। मेकर दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए शिवानी के लुक, डायलॉग और एक्सप्रेशन पर काफी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मगर दर्शक तो जैसे ठान कर बैठे हैं कि नो सनाया नो आईपीकेकेएनडी3। सनाया ईरानी की नेचुरल एक्टिंग और खूबसूरती के दीवाने फैंस को शिवानी तोमर जरा भी रास नहीं आ रही। दर्शकों का साफ कहना है कि सीरियल बंद होता है तो हो जाए, मगर वो शिवानी तोमर को वरुण सोबती के अपोजिट नहीं देख सकते। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।